बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सब? आई हो बढ़िया होंगे। और हम भी बिल्कुल ठीक भी नहीं कह सकते, जुकाम हो रहा बहुत ज़्यादा। जो जुकाम का मेरा लेवल है ना वो हाई चरण पे है, क्या बोलते हैं उसको, हाई लेवल पे है, बिल्कुल चरम सीमा पे है मेरा जुकाम है। एक नाक से तो मुझे सांस भी नहीं आ रहा है, इतना जुकाम हो रहा है बहुत ज़्यादा। रात को नींद में भी मतलब सोने की प्रॉब्लम होती है, क्यों नाक बंद हो जाती है, बिल्कुल जाम हो जाती है। दवाई भी ले चुकी हूँ मैं, फिर भी कोई आराम नहीं हो रहा इतना। और आपको मेरी आवाज़ से लग भी रहा होगा कितना कोल्ड हो रखा है मुझे। तो आज फिर जाऊँगी दवाई लेने के लिए, तो देखो आराम हो जाए तो। और कुछ जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो भी आजमाएंगे। तो मैं नहीं चाहती मैं फिर से बीमार पड़ूँ। अभी मैं बहुत दिन में बीमार उठी थी, तो काम की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों से इतना काम नहीं हो पाता। छोटे तो हैं बेचारे, अभी तो इतना काम नहीं कर पाते हैं जितना हम हैंडल कर लेते हैं। तो फिर मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं पढ़ी हूँ, बच्चे काम लगे हुए हैं, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है इनको, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ जल्दी से मेरे जुकाम ठीक हो जाए, मैं ज़्यादा मेरे प्रॉब्लम ना हो। तो अब कर लेते हैं काम। दूध रखा हुआ है, दूध मुझे डाल के हारे में रखना है, और साथ में मैंने लगा रखी है रई। तो रई का मैंने दूध घी निकालना है, और साथ में मैंने सब्जी कट करके रख दी, सब्जी छोकनी है। इसके बाद फिर काम करके मैं जाऊँगी दवाई लेने के लिए मेडिकल में, जो कि हमारे गांव में है, सरकारी, हमारे गांव में सरकारी अस्पताल है। तो हम उधर से दवाई ले आएंगे। तो बस पहले मैं काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी दवाई लेने के लिए। और काम पहले मशीन को बंद कर देते हैं। तो ये दूध मिल गया मेरा, और ना इसके बारे में पूछा जाता है कि इसको आप बांधते क्यों, तो अगर बांधते नहीं ना तो ये गिर जाती है रिपट के, इसलिए इसको बांधना पड़ता है इसलिए। और इधर रखा हुआ है दूध, दूध भी मैं डाल के रखूँगी। तबीयत बिल्कुल ख़राब हो रही है मेरी। और ये सब्जी मैंने इधर काट के रख दी है, प्याज काट के रख दी, टमाटर को मैं वॉश करूँगी फिर मैं काटूँगी। तो अब सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं पहले। और ये आटा रखा हुआ है, बच्चे गए थे स्कूल तब उनका टिफ़िन पैक किया था उनके खाने के लिए। अब मैं खुद का खाना बना रही हूँ, मतलब कि हम लोगों का। तो उसके बाद जो जो होगा वो शेयर किया जाएगा आपके साथ। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो चलिए फिर ट्राइपॉड पर लगाते हैं फ़ोन को और अपना काम करते हैं। सूर्य देवता भी दीपक दे चुके हैं हमारे किचन में, सबसे पहले आते हैं हमारे किचन में सूर्य देवता, क्योंकि बिल्कुल फ्रंट पे ये है। तो है ना जो सही घर है ना, कुछ मतलब वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाया गया है उसको। मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा मानते हैं वास्तु शास्त्र को, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। हर एक पंडित का ये कहना है कि जो किचन में सबसे पहले सूर्य देवता आना चाहिए, तो इनके हिसाब।
इधर सब्जी बन रही है आलू गोभी गाजर, और गाजर ये मटर मेरे पास नहीं थी तो ये सब्जी बना दी है मैंने, और इसके बाद फिर बाकी का काम करते हैं। इसको ढक देती हूँ पहले। इसके बाद फिर और काम निपटाते हूँ। सबसे पहले मैं लगाती हूँ हारा दूध के लिए, और आज धूप आ रखी है अच्छी खासी, तो काम करके थोड़ी देर धूप में बैठेंगे। इसमें डाल के रखूंगी मैं दूध को डेगचे में, और इधर ये घी निकालना है इसका, तो सब्जी बन जाएगी हमारी। इतने मैंने इसको लो हीट कर मंदा कर दिया है इसको, गैस को, गैस की फ्लेम कम करती है। उसके बाद फिर और काम निपटाते हैं। सब्जी हमारी डन हो चुकी है, इसके बाद डाल दूंगी मैं धनिया जो कि मैंने पहले काट कर रख लिया था। सब्जी हो गई डन, इसके बाद दूध भी रख दिया, घी भी निकाल दिया। इसके बाद फिर खाना बनाएंगे, और पहले थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और चाय पीऊँगी बना के, क्योंकि इतना ज़्यादा सर में दर्द हो गया जुकाम की वजह से, और इतने हस्बैंड भी आ जाएंगे बाहर गए हुए हैं, तो फिर मैं खाना बनाऊँगी और जैसे जैसे होगा शेयर किया जाएगा आपके साथ। तो बने रहिए वीडियो पे। तो चलिए चाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह का काम सारा निपट चुका था, तो मैं आ गई हूँ दूध रखने के लिए, और दूध में थोड़ा लेट ही रखती हूँ क्योंकि अभी ठंड है ना, तो जमाने के टाइम तक वो शाम तक बिल्कुल ठंडा हो जाता है, फिर से गर्म करना पड़ता है, तो मैं थोड़ा लेट ही रखती हूँ, जैसे कि 10:30 बजे के लिए रखती हूँ, तो वो रात शाम तक ठंडा रहता है। तो ये अभी हम लगा देंगे, हारा वगैरह सेट कर देंगे, और साथ के साथ फिर झाड़ू भी निकल जाएगी हमारी। तो यही होता है मॉर्निंग का काम, और देखते हैं चूल्हे पर रोटी बनाती हूँ या पहले तो मुझे नहाना है, और नहाने के बाद ही रोटी बनाऊँगी। तो ये सारा काम निपटा के फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, पानी मैंने गर्म छोड़ दिया है होने के लिए, तो फिर नहा धो के फिर हम बनाएंगे खाना। तो कोशिश करूँगी चूल्हे पर बनाऊँ, क्योंकि फिर बैठ के ना आसानी से बना लेते हैं, खड़े खड़े में परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चूल्हे पर ही सब रोटी बनाऊं। सब्जी हमारी बन चुकी है और बस अभी रोटी रह रही है, हमें नहा धो के जोत वगैरह चास के तो फिर मैं रोटी भी बना लूँगी। और इतने बाकी के भी लोग आ जाएंगे, सब लोग तो क्या है, बच्चे स्कूल में गए हैं, हस्बैंड है वो आ जाएंगे, तो फिर उस साथ के साथ खा लेंगे और बच्चों के हम बना के रख देंगे। और अब मैं निकाल रही हूँ घी, और आजकल ना घी भी बहुत परेशान करता है, कभी ठंडा पानी डालो कभी गर्म पानी डालो
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। मम्मी आसानी से कर लेती थी, अगर मुझे फिर दिक्कत होती है तो बहुत जल्दी मम्मी आ जाएंगी, फिर अपने आप संभाल लेंगी सारा काम। उसके बाद फिर मैं नहा धो लिया था और फिर मैं आ गई थी चूल्हे पर आग जलाने के लिए। हालांकि धूप थी पर अच्छा लग रहा था क्योंकि ठंड थी ना, और कुछ मुझे कोल्ड हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो बीच का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी फ़ोन की बैटरी ऑफ हो गई थी तो मैं बना नहीं पाई। और ये है हमारी प्लेट सब्जी और ये गुलाब जामुन जो कि बर्थडे वाले हैं, और साथ में सिंपल रोटी है। तो मेरी साथ आड़ी सिंपल ही होती है क्योंकि मुझे सिंपल ही पसंद है, ज़्यादा तामझाम नहीं पसंद है। और लस्सी वगैरह मैं खा नहीं रही क्योंकि मुझे सर्दी है इसलिए, और मैं यहाँ खाऊंगी बाहर बैठ के मुड्डी पे आराम से सेट होके गरम गरम रोटियाँ। पहले मैं इंजॉय करूँगी गुलाब जामुन और फिर मैं खाऊँगी रोटियाँ।